ताला ने क्या हुक्म फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं हम चंदी ये दाम मांगते ना था और भी कुछ मांग है आज को माए का अता और भी कुछ मांग है आज को माए का अता और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ कि वो क्या दे नहीं सकते दे सकते हैं क्या कुछ कि वो क्या दे नहीं सकते ये बहस न कर वो दिया और भी कुछ मांग ये बहस न कर वो दिया और भी कुछ मांग और जिन लोगों को शक है कि कर्म उनका है महबूब जिन लोगों को शक है कि कर्म उनका है महबूब उन लोगों की बातों में ना जा और भी कुछ मांग और सुल्तान ने मदीना की ज़ियारत की दुआ सुल्तान ने मदीना की ज़ियारत की दुआ कर अरे जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग हज़रत नामी कदर यहां पर ग्रीस के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक हमारी पाकिस्तानी बरादरी को ये 70 की दहाई में यहां आने शुरू हुए थे मेरी मालूमात के मुताबिक और जब से यहां पर हम पाकिस्तानी लोग आए आबाद हुए मेहनत मजदूरी के लिए रोजगार के लिए हमने अपनी बिल्डिंगें तो खरीदी अपने मकान को बनाए हमने अपने बिजनेस को बनाए हमने अपनी दुकानें बनाई सब कुछ किया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीदी बड़े बड़े होटल बनाए रेस्टोरेंट बनाए लेकिन जो चीज हम सबको मिलकर सबसे पहले बनानी चाहिए थी वो था इस यूरोप के मुल्क ग्रीस में अल्लाह का घर बनाना जो पाकिस्तानियों की मिल्कियत होता लोग कहते कि ये पाकिस्तानी मुसलमानों की अपनी मस्जिद है तो तब से लेकर अब तक हम सुस्ती में रहे कोताही में रहे ये बात हमारी नजर से ओझल रही कि ये काम भी हमारा करने वाला है हमने छोटी छोटी मसाजिद किराए की जगह लेकर यहाँ तय खानों के अंदर बना ली लेकिन आज वो वक्त आ पहुंचा कि आज हुकूमत ग्रीस ने वो कानून बना दिया कि कोई भी गैदरिंग जो होगी वो मस्जिद की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो वो कोई भी इस कोयों के अंदर तय खाने के अंदर नहीं कर सकता तो अब उस कानून को सख्त से सख्त किया जा रहा है हमारे मसाजिद अक्सर बेशतर जो है वो कोयों के अंदर है और वो बंद होनी शुरू हो गई है अब हमारे ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ पड़ी है तो इस सूरत हाल में सबसे पहले जिस हस्ती ने ये फिक्र दिया ये आवाज उठाई और ये बेड़ा उठाया और जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई वो हुजूर क़िबला पीर साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता क़िबला पीर साहब सब बात फरमाई गई आज से 7-8 साल 10 साल कबल यहाँ क़िबला पीर साहब ने उस वक्त ये सोच रखी थी कि यहाँ पाकिस्तानियों की मुसलमानों की अपनी जामे मस्जिद होनी चाहिए जो किराए की ना हो अपनी मिले जहां पर इज्जत के साथ वकार के साथ आकर हम अपनी इबादत कर सके जो हमसे कोई खाली ना करवा सके कोई आकर के कड़ी ना दे सके कि हम आपसे खाली छुपा लेंगे निकाल देंगे जब अपनी होगी तो कौन निकाल सकता है तो उस वक्त क़िबला पीर साहब ने यह फिक्र दिया पाकिस्तानी मुसलमानों ने बहुत इकामत किया 70,000 में वो जमा हुआ मुनासिब जगह का मिल सकने की वजह से वो अमाउंट वो रकम वो पैसे यहाँ यूनान के अंदर हजरत सुल्तान महमूद के जिम्मेदारान के पास महफूज रहे आज तक महफूज है और अब क़िबला पीर साहब ने यहाँ आपके शहर एथन के पैरस्टेरी के इलाके में एक बिल्डिंग पसंद कर ली है मस्जिद के लिए अल्लाह के घर के लिए इंसान की मिल्कियत के लिए और वो यूँ समझ ले कि वो जगह का सौदा भी हो चुका है बेहतरीन सेंटर बनेगा मस्जिद होगी कम्युनिटी सेंटर होगा जिंदों की जरूरतें भी पूरी की जाएगी मुर्दों की जरूरतें भी पूरी की जाएगी बुजुर्गों की जरूरतें भी पूरी की जाएगी बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम भी किया जाएगा और हमारी बहनों हमारी बेटियों खवातीन की तालीम का भी वहां पर बंदोबस्त किया जाएगा आप जानते हैं कि पीर साहब की पूरी शख्सियत नहीं है पूरी दुनिया के अंदर पीर साहब ने तालीमी नेटवर्क का जाल बिछाया है सिर्फ यूके के अंदर क़िबला पीर साहब के जो अपने साथी उनकी सरपरस्ती में जो से
सेंटर चल रहे हैं वो 23 सेंटर वहां पर चल रहे हैं सिर्फ यूके के अंदर, बाकी भारत में भी है, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज है, इस्लामिक सेंटर है, हजारों की तादाद में यूके के अंदर हमारे मुसलमानों के बच्चे पुराने बात हिफ्ज कर रहे हैं और दरस निज़ामी उनको पढ़ाया जा रहा है और यूके के अंदर उनको मुकम्मल आलमी बनाया जा रहा है। आपको काम यहाँ पर शुरू होगा, किस तरह होगा, कैसे चलेंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसमें मैं और आप कैसे शामिल हो सकते हैं, ये सारा आप पीर साहब फरमाएंगे। अब नानों की गोद में एक ऐलान सुन लें कि आज रात बाद नमाज़ तराविह हज़रत सुल्तान महमूद रशीद के गालियों के अंदर जो मेन मरकज है वहाँ पर आज रात शब्दगारी होगी। क्या जी सुभान अल्लाह, रमजान का महीना है ना, सुबह छुट्टी है तो पीर साहब की बहन फरमाया मैं चाहता हूँ कि जवान आए और मैं वहाँ उनकी तरबियत कर लूँ, उनको मैं अल्लाह का जिक्र करता और वो जो हजरत सुल्तान अलादीन सुल्तान महमूद ने फरमाया अली अल्लाह चपे दी दूती ते मुर्शिद मन मेरे विच लाई है ते नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी खुशक बचाया जां फुलण ते आई हूं ते जीवे कामिल मुर्शिद बाहू ते जिसने बूटी लाई। तो आज रात आप सब हजरात तशरीफ आए, नमाज़े तरावी को अदा करें, नमाज़े तरावी के बाद वहां पर शब्दारी में शामिल हो और सहरी का इस्तेमाल भी वहां होगा, सहरी करके नमाज़े फजर पढ़ के आप वापस आ जाएंगे। ये ऐलान था अब आपके नारों की गुण में इबला पीर साहब आप लोगों को गुरु करिए।